विश आपको बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये खिताब जीता नागपुर के लिए, विदर्भ के लिए। थैंक यू सो मच। अभी तक का सफ़र कैसा रहा? जी हमारे मेरा सफ़र एक्चुअली बहुत ही अच्छा था और एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे मिला है इसके ज़रिए, क्योंकि ऐसा था कि हम लोगों का पहले यहाँ पे ऑडिशंस हुए, ऑडिशंस के बाद हर रीजन में से 4 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ और वहाँ पे टोटल 40 कंटेस्टेंट थे जो ऑल ओवर इंडिया, इवन आउट ऑफ इंडिया से भी आए थे, कोई यूके से था, कोई दुबई से, कोई हांगकांग से। सो आप ऐसा भी बोल सकते कि एक विश्व स्तरीय स्पर्धा जिसको बोलते वैसे थी। तो 40 कंटेस्टेंट में से मैं नागपुर से रिप्रेजेंट कर रही थी, नागपुर को, अपने ऑरेंज सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों को जाने के बाद वहाँ से सेकेंड डे से हमारे सेशन चालू हुए जो जयपुर में ये ग्रैंड फिनाले था 3 मई को, और 28-3 हम लोगों को पूरा ग्रूमिंग सेशंस थे, ट्रेनिंग था, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन, रैम ट्रेनिंग, और काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट थे, इवन एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे सेशंस में से हम लोगों को एक एक ये करते गए बाहर। फिर टैलेंट राउंड था हमारे, जिसमें से हम लोगों को जो बेस्ट टैलेंट राउंड था उसमें से हम लोगों को चुना गया, और फिर थर्ड सेकेंड को सेमीफाइनल था, थर्ड को ग्रैंड फिनाले था। आगे के सफ़र में ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे हम लोगों का एक वुमन एम्पावरमेंट का एक सेशन था जहाँ पे हम लोगों को स्पीच भी देनी थी, जो मेरी एक बहुत ही अच्छी स्पीच वहाँ पे रही है वुमन एम्पावरमेंट के बारे में, जिसको अपन आज महिला सशक्तिकरण कहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर उस चीज़ में मुझे आगे कुछ करना मिले तो मैं वुमन एम्पावरमेंट के बारे में ज़रूर कुछ करना चाहूँगी, और मेरी और एक इच्छा है कि मैं मिसेस यूनिवर्स के लिए जाऊँ और वहाँ से अपने नागपुर का टाइटल जीत के आऊँ, ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। क्वेश्चन आंसर्स हुए होंगे वहाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हुए डेफिनेटली। वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब, जो जिससे आपको फाइनली खिताब मिला, क्या क्वेश्चन था वो? एक्चुअली जवाब ये था, सेक्स चेंज के ऊपर मुझे ओपिनियन देना था, तो मैंने ये ओपिनियन दिया था मेरा कि गॉड हैज़ गिवन यू अ लाइफ, अ ब्यूटीफुल लाइफ, इट डिपेंड्स कि ये एक सोल है कि ये आत्मा है, उन्होंने एक मेल और फीमेल में अपने को दोनों को डिवाइड किया है, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि मेल हो या फीमेल हो, एक ज़रूरी है, एक ह्यूमैनिटी है, एक सोल है, पर अगर तुम लोग इसमें खुश नहीं हो व्हाट यू आर, तो यू हैव फुल राइट्स टू चेंज, बिकॉज यू लिव योर लाइफ वंस, एंड अगर तुम लोग इसमें खुश नहीं हो तो यू हैव फुल राइट्स टू चेंज एंड गो अहेड विद दैट।